दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जो कि हमारे पूरे फ्यूचर को डिसाइड करता है। हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हमारी आदतें कैसी होंगी, ये सब हमारी स्टूडेंट लाइफ ही डिसाइड करती है। वैसे तो हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके टीचर्स और उसके बाकी क्लासमेट्स उसकी तारीफ करें और क्लास में सब उसका सम्मान करें और वो एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करे। लेकिन 99% स्टूडेंट्स जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ ये गलतियाँ आगे जाकर आपकी परमानेंट आदत बन जाती है। फिर आप चाहकर भी अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो 4 गलतियाँ बताऊँगा जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, और ये भी बताऊँगा कि आप कैसे उन 4 गलतियों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। आई एम 100% श्योर कि मैं जो गलतियाँ आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से कोई ना कोई गलती आप भी ज़रूर करते हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज मैं आपको बताऊंगा 4 मिस्टेक्स दैट यू मेक इन योर स्टूडेंट लाइफ। सो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है अपने काम को टालना या अवॉइड करना। लगभग हर स्टूडेंट ये गलती करता ही है। एक लाइन है जो कि स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस है, वो लाइन ये है कि कल से पढ़ूंगा, और ये लाइन ही आपकी इस आदत को एक्सप्रेस करती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो अपनी लाइफ में, यानी कि आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को हमेशा अवॉइड करते रहते हो, उसे पोस्टपोन करते रहते हो कि आज नहीं कल से पढ़ूंगा। दोस्तों, अपने काम को टालने की ये आदत आगे जाकर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, बिकॉज़ अगर आप अपना काम टाइम पर नहीं करोगे और उसे बस टालते रहोगे तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो आप बोलते हो ना कि कल से पढ़ूंगा, ये कल कभी नहीं आता। हम वादे तो अपने आप से बहुत करते हैं कि आज तो मैं जम करके पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तब हम ये सोचते हैं कि अभी तो काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स को, आराम से पढ़ लूँगा, अभी थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देख लेता हूँ, और वीडियोज़ देखते देखते पता नहीं कब घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और इस तरह से हम खुद का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं रोज़ आपको एक छोटी लकड़ी तोड़ने को दूं तो आप उसे आराम से तोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं काफ़ी सारी लकड़ियाँ एक साथ दूं और कहूं कि अब इन्हें तोड़कर दिखाओ तो आप उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसा ही एग्ज़ाम्स के साथ होता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम्स आने पर आप पैनिक नहीं करेंगे, बिकॉज़ आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपनी सारी किताबें लेकर बैठेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करूं। इसलिए अपनी इस मिस्टेक को जितना जल्दी हो सके सुधार लो। रेगुलर प्रॉपर स्टडी करो, चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन बी रेगुलर, और काम को कभी भी कल पर मत छोड़ो, आज का काम अभी करो। तो दोस्तों, ये थी आपकी पहली मिस्टेक। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक नंबर 2, डोंट रन ओनली बिहाइंड मार्क्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागो। दोस्तों, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के केवल 2 ही तरीके होते हैं, एक तो रट्टा मार के और दूसरा टॉपिक्स को समझ के। तो अगर आप रट्टा मारकर एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर भी लेते हो तो वो मार्क्स किसी काम के नहीं हैं, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसे आपने समझा ही नहीं और सिर्फ रट्टा मार लिया और वहाँ जाकर लिख दिया, तो इससे आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, बस कॉपी पेस्ट वाला काम किया है। मैंने इससे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ रट्टा मार कर पास होते हैं लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ भागते रहे नंबरों के पीछे। और काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके नंबर्स तो कम आते थे लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, और आज वो सक्सेसफुल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन चुके हैं या उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। इसलिए नंबर्स को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी उनकी रियल में है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसलिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई करो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई गेम खेल रहे हो, मज़ा भी आ रहा है और साथ में दिमाग भी तेज़ हो रहा है, फिर देखो कैसे बदल जाएगी आपकी लाइफ। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी पढ़ो उसे ऐसे पढ़ो कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे पढ़ोगे तो मार्क्स भी गजब के आएंगे और लाइफ में भी आप काफ़ी तरक्की करोगे। मिस्टेक नंबर 3, बीइंग इन बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। ये लाइन एकदम सही है। हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये हमारे आसपास के लोगों पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव ही नेगेटिव लोग हैं तो आप में भी नेगेटिविटी आनी ही आनी है। अगर आपके पास पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली उनके जैसे ही बनोगे। इसलिए कहते हैं कि संगत का असर बड़ा गजब का होता है। अगर अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, और एक बार बुरी संगत में चले गए तो आप भी बुरे ही बनोगे।
इसलिए हमेशा दोस्ती उनसे करो जो आपसे एक लेवल ऊपर हैं। इससे क्या होगा कि आप भी उनके लेवल पर चले जाओगे। अगर अपने से नीचे लेवल वालों के साथ दोस्ती रखोगे तो आप भी नीचे गिर जाओगे। लेवल का मतलब मेरा इंटेलिजेंस से है। अगर आपके दोस्त नशा करते हैं तो आज नहीं तो कल आप भी उनकी ही तरह नशा करने लगोगे। और अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो आपको भी अपनी ही तरह इंटेलिजेंट और सुपर्ब बना देंगे। अगर अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो अच्छी आदतें सीखने को मिलेंगी, और अगर बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो वही बुरी आदतें आप में भी आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों, संगत का असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए बुरी संगत से हमेशा बचो और अच्छे और इंटेलिजेंट लोगों के साथ जाकर चिपक जाओ। वो आपको भी अपनी ही तरह बना देंगे। आई होप आपको मैंने जो भी बताया वो समझ आया होगा। मिस्टेक नंबर 4, मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया को इसलिए बनाया गया था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें और उनके साथ अपने नॉलेज को शेयर कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम उसी सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं। सच तो ये है कि हम सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते, सोशल मीडिया हमें यूज़ करने लगा है। ये तो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि जब भी वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसका ध्यान फेसबुक और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस पर ज़रूर जाता है, और फिर वो खुद से सिर्फ 5 मिनट का सोशल मीडिया यूज़ करने का वादा करता है, लेकिन ये 5 मिनट कब 2-3 घंटे में तब्दील हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिकॉज सोशल मीडिया का कोई एंड नहीं है दोस्तों, बस करते रहो स्क्रोलिंग। कितना करोगे, आप ही थकोगे, सोशल मीडिया नहीं थकेगा। वो आपको नए नए पोस्ट दिखाता रहेगा और आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करता रहेगा। इसलिए आज से एक काम करो, अगर मेरी बात मानते हो तो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। इससे क्या होगा कि जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस परेशान नहीं कर पाएंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर पाओगे। जब भी पढ़ो तो फ़ोन को साइलेंट करके रख दो कहीं पर और अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही रखो। एंड आई प्रोमिस, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ये सोशल मीडिया की एडिक्शन जल्दी ही छूट जाएगी और आप अपने टाइम को पढ़ाई में लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई हैं जो कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। आप अपनी क्लास में सबसे आगे निकल सकते हो। क्लास में ही नहीं, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अपने आप पर पूरा विश्वास करते हुए आज ही मेरी बताई गई इन बातों पर ध्यान दो और इन सब आदतों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंको। फिर देखना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद पर प्राउड फील होगा। सो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।